हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो ब्लॉगिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली यूज साड़ी और ऑफिस वियर साड़ी इन डिफरेंट वेज का वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो नॉर्मली सभी साड़ी पहन लेते हैं अपने अपने तरीके से, बट आज मैं आप लोगों को एक्चुअली डेली वियर साड़ी और ऑफिस पर्पज साड़ी किस तरह से आप पहने, ताकि जिसमें आप टॉल एंड स्लिम के साथ गॉर्जियस भी दिखाई दे, तो उसी का आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पर डेली पर्पस प्रिंटेड साड़ी ली है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर जो हम फर्स्ट राउंड लगाते हैं साड़ी का, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, तो साइड में हमें साड़ी के दोनों छोर को मिलाकर एक टाइट नॉट बांध लेनी है। इससे क्या होगा कि जो साड़ी हमारी वो एकदम फिटिंग के साथ आएगी, एकदम टाइट साड़ी हमारी बंधेगी। और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा अपनी कमर में इन कर लेंगे। देन हम साड़ी का एक राउंड पीछे से लगाते हुए अपने पल्लू वाले पोर्शन पर आ जाएंगे। अगर आप साड़ी में स्लिम और टॉल दिखना चाहते हैं, तो अपने पल्लू को हमेशा जो पल्लू की लेंथ होती है उसको नीज के नीचे रखना चाहिए, तभी आप साड़ी में टॉल दिखाई देंगे। नाव पल्लू वाले पार्ट्स की हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे, ताकि फ्रंट से पल्लू का जो लुक है वो अच्छा दिखाई दे। तो हमने अपने पोर्शन की सारी प्लेट्स बना ली हैं। अब इसे शोल्डर पर रखकर पिन से सिक्योर कर लेंगे। नाव पल्लू हमारा सेट हो गया है। नाव कमर की फ्रंट वाली प्लेट्स पर हम आ जाएंगे। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन ली है। अब यहाँ पर हम कमर वाले पोर्शन को टाइट खींचते हुए चेक कर रहे हैं कि हमारा जो पोर्शन है वो दूसरे पैर की थाई पर आ जाए। बस उतना हमें पोर्शन ले लेना है और उस पोर्शन को हमें अपने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। यहाँ पर हम कमर की साइड वाली जो प्लेट्स होती है उसको हम नहीं बनाएंगे, बस ये सेफ्टी पिन की मदद से ही हमारी साइड वाली प्लेट्स निकल कर आ जाएंगी। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें मैजिक क्या है। तो यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे और अब हम सेफ्टी पिन के बिल्कुल साइड से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक एक प्लेट्स हम बनाएंगे, तो प्लेट्स जो हमारी होंगी वो इक्वल होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सारी प्लेट्स हमने बना ली हैं और अब इन प्लेट्स को हम अपने कमर में फ्रंट में टक कर लेंगे। नाव ये जो साइड में पॉकेट्स आपको बना दिख रहा है उसमें हमें अपना हाथ डालना है और अब अपनी लगी हुई सेफ्टी पिन को पकड़कर बाहर निकाल कर उसे इस तरह से ट्विस्ट करना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक प्लेट्स हमारी बनना स्टार्ट हो गई हैं और अब साड़ी भी बिल्कुल टाइट होती जा रही है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और बस अब हमें इसको अपने सेफ्टी पिन को कमर में टक कर लेना है इस तरह से। और एक साड़ी पिन लगा लेंगे फ्रंट में। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी साड़ी पहनी गई है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, साड़ी का जो फर्स्ट राउंड हमने नॉट के साथ लगाया था जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, सेम उसी तरीके से हम फर्स्ट राउंड लगा लेंगे नॉट के साथ। देन एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अपने कमर में टक कर लेंगे। नाउ फर्स्ट राउंड लगाते हुए साड़ी के पल्लू वाले पोर्शन पर आ जाएंगे। पल्लू की लेंथ को हम चेक करेंगे, एकदम नीज के नीचे तक लाएंगे। देन पल्लू की एक एक प्लेट्स बनाएंगे, छोटी छोटी हमें प्लेट्स बना लेनी है। अब आगे इसी में मैं आपको पल्लू को टक करने के अलग अलग तरीके बताऊंगी। तो प्लेट्स हमारी बन चुकी हैं। देन शोल्डर पर रखकर इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब आएंगे कमर की फ्रंट वाली प्लेट्स पर। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको कमर की साइड वाली प्लेट्स बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके से प्लेट्स बनाकर भी आप अपनी साड़ी को फिटिंग के साथ बना सकते हैं, यानी कि पहन सकते हैं।
तो ये देखिए ध्यान से मैंने अपने कमर की साइड वाले साड़ी के पोर्शन को पकड़कर अपनी थाई के पास तक इसको अपने राइट साइड की तरफ खींच रही हूँ। इसमें देखिए हमें साइड प्लेट्स मिलना स्टार्ट हो गई हैं। अपनी फिंगर की मदद से 1, 2, 3 प्लेट्स को हम पकड़ लेंगे इस तरह से, और अब इन्हें पिन से हम सिक्योर कर लेंगे। और अब बनाएंगे हम कमर की फ्रंट वाली प्लेट्स। तो एक एक करके हम प्लेट्स बनाएंगे, इक्वल प्लेट्स हम बनाएंगे, और प्लेट्स बनाकर हम सारे पिन से सिक्योर कर लेंगे और कमर में फ्रंट में हम टक कर लेंगे, और अब एक साड़ी पिन भी लगा लेंगे। तो देखिए हमारी साड़ी बनकर एकदम तैयार हो गई है। और अब लास्ट में मैं आपको शोल्डर की प्लेट्स को बनाने का एक और तरीका बता देती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो लास्ट वाली मैंने प्लेट्स ली है, इसको हम क्या करेंगे अपने ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रखेंगे, और अब बाकी बची हुई प्लेट्स को हम इस अंदर वाली प्लेट्स के ऊपर रखकर पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट से जो लुक है वो इस तरह से दिखाई देगा। शोल्डर पर पिन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सारी प्लेट्स को एक एक करके पकड़ेंगे और एकदम टाइट करते हुए फ्रंट में हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे सारी प्लेट्स को। और अब यहाँ पर हम पिन लगाएंगे, इन प्लेटों को पिन से सिक्योर करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम पिन लगाएंगे वो फ्रंट से हमारी शो नहीं होगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा फ्रंट का लुक निकल कर आएगा वो एकदम टाइट आएगा, वो आप देख ही सकते हैं साड़ी में। तो फ्रंट से एकदम टाइट दिख रही है हमारी साड़ी, और पिन भी हमारी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, अंदर से लगी हुई पिन है ये तो। और पीछे से भी आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम अच्छा लुक निकल कर आया है। तो देखिए आप इस तरह से अपनी साड़ी पहन सकते हैं। मैंने सारे तरीके आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। और कैसा लगा आपको डेली वियर और ऑफिस वियर साड़ी रैपिंग का वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कितना समझ में आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे मुझे वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नहीं हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।